आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत खुश भी होंगे, जो आजकल ज़्यादातर लोग होते नहीं हैं। सो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, आज मैं दोबारा जो एक रूटीन होता है हम सबका, ऑफिस जाना, मैं वहीं ऑफिस की तरफ ही निकल रहा हूँ। सो, और आप सभी को बताया कि हमेशा मैं ऑफिस जाते जाते आप सभी को कुछ ना कुछ तो ज्ञान पक्का ही देता हूँ। तो एक वीडियो मैंने कल भी डाली है और एक वीडियो मैं दोबारा आज बना रहा हूँ। सो, क्या अभी तक ही सोच रहे हो आप लोग? क्या आप अभी तक यही सोच के बैठे हो कि आपको करना क्या है? अगर आप अभी तक यही सोच के बैठे हो तो आप लोग यही सोचते रह जाओगे फ्रेंड्स, आप लोग यही हमेशा सोचते रह जाओगे कि आपको करना क्या है। 5 साल बाद भी आप यही सोचोगे ना कि यार मुझे तो ये करना था बट मैं इस वजह से कर नहीं पाया, तो वो 5 साल भी ऐसे निकल जाएंगे। तो मेरी आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि आपको जो करना है, जैसे करना है, वो अभी से स्टार्ट करना है, वो अभी से ही आप लोगों को करना पड़ेगा, वरना समय निकलता जा रहा है और आप लोग हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियोस में, हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ कि हम लोग मिडिल क्लास, मैं अपनी वीडियो में हमेशा जिक्र करता हूँ इसी चीज का कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के जितने भी लोग हैं, जितनी फैमिली है, उन पे प्रेशर्स बहुत होते हैं चीज़ों के। फैमिली का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, दोस्तों का प्रेशर है, घूमने का प्रेशर है, कुछ ना करने का प्रेशर है, तो इतने सारे प्रेशर होते हैं और सोचने का समय बहुत ज़्यादा होता है कि हम लोग सोचते ही रहते हैं कि हम अपने गोल को अचीव कैसे करें। सो गाइज, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो सोचते रहते हैं कि मैंने करना क्या लाइफ में, और निठल्ले घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि यार मैंने ये करना है, मैंने गाड़ी खरीदनी है, मैंने घर बनाना है, मैंने फैमिली को घुमाना है, मैं अपने आप घूमना है, बट कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ बिस्तर में बैठ के ये चीज सोच रहे हैं कि मैंने ये अचीव करना है, और वो अचीव कैसे करना है। तो वो यार, वो अचीव तो आप लोगों को कुछ करके ही, कुछ दिमाग लगा के ही, कुछ एक्स्ट्रा सोच के तो कर पाएंगे ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप लाइफ में कुछ भी अपना गोल आपने बनाया है, पहली बात तो आपको एक अपना टारगेट बनाना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट टारगेट आप सोचेंगे तो फिर आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं माइंडसेट होता है ना लोगों का कि आपको सिर्फ गुजारा करना है लाइफ में, कि आपको या तो सिर्फ गुजारा करना है कि भैया बस मुझे 2-3 वक्त की रोटी मिल जाए, मैं घर बना लूं, शादी कर लूं, फैमिली को घुमा लूं, बस ये मेरा एक टारगेट है, तो भैया फिर तो आप सरकारी नौकरी, तो भैया फिर तो आप मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी करें, क्योंकि उसी में होता है ऐसा कि 9 से 7 की ड्यूटी करेंगे, सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी आपको, एक महीने की सैलरी बंदी होगी, जब रिटायर होंगे तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा बस, और वो पैसा तब मिलेगा जब आपको 60 साल के हो जाएंगे। तो 60 साल में ना तो आप कुछ एंजॉय कर पाएंगे, ना कुछ काम कर पाएंगे, ना कुछ ऐसी चीज कर पाएंगे जिससे आपको सुकून मिलेगा। सरकारी नौकरी जो है ना, वो देती है सिर्फ आपको श्योरिटी। श्योरिटी किस चीज की, वो मैं आपको बताता हूं। जो सरकारी नौकरी होती है, सरकारी नौकरी आपको श्योरिटी देती है आपकी लाइफ, कि आप जिंदगी भर काम करेंगे, आपको कुछ हो गया तो फैमिली को पेंशन मिल जाएगी, और एक सैलरी का फिक्स रेट होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, अदर बेनिफिट्स होते हैं। तो वो बेनिफिट के चक्कर में आप आज, आप क्या, हर कोई शायद, मैं भी अगर सरकारी नौकरी में हो जाता हूँ, अगर मैं भी गवर्नमेंट जॉब में लग जाता हूँ, तो मैं भी शायद आलसी जाऊँगा, मैं भी शायद कुछ नहीं करूँगा, जब मुझे पता है कि मेरी इतनी तारीख को फिक्स सैलरी आनी है, बेनिफिट्स अलग हैं, छुट्टियां मेरी बहुत सारी मिल जाती हैं मुझे। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सिर्फ कमाना है और
जिंदगी गुजारनी है या फिर आपको कमाने के साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में फर्क बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप चाहते हैं सच में कुछ अचीव करना तो गाइस सोचिए मत, जो भी करना चाह रहे हैं लाइफ में ना, स्टार्टअप दे दीजिए उसको करने का। एक बार कोशिश करके देखें कि अगर आप कोई बिजनेस डालना चाह रहे हैं, अब आप सोचेंगे कि बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, तो अगर आप ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इसमें आपको, कि आप थोड़ा सा पैसे लगा के अच्छा खासा एक मार्जिन कमा सकते हैं। वो आप सोचना है कि आपके नीचे क्या है, आप करना क्या चाहते, आपका टैलेंट बेसिकली क्या है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो वो चीज़ तो मैं नहीं बता सकता आपको, बट काफ़ी सारी मैं भी देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप हम लोग कर सकते हैं, बट हमें क्या होता है, बहाना है। हमें इंसान ने ना एक फितरत ऐसी हम लोग की है कि हम लोग को बहाना चाहिए होता है कुछ ना करने का, कुछ करने का बहाना नहीं चाहिए होता हमें, कुछ ना करने का बहाना चाहिए होता है। ये भी अपनी वीडियो में एक बता चुका हूँ कि हम हमेशा हम यही सोचते हैं यार मेरे पास ऐसा नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो ये सबसे बड़ी हम इंसान की, हम मिडिल क्लास फैमिली की स्पेशली बहुत बड़ी गलती होती है कि हम लोग बहानेबाजी हर चीज में बहुत ज्यादा करते हैं, जो करना गलत है। तो रही बात इस चीज की कि मैं तो रही बात इस चीज की कि आप कुछ भी लाइफ में करने की सोच रहे हैं, एक उसका प्लान बनाएं, एक उसके प्रोज और कॉन्स देखें कि उसमें क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी क्या आपको कब तक वो टारगेट अचीव करना है। सबसे पहले तो आपको ये रखना पड़ेगा कि आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद कि आपको ये चीज़ें करनी ही करनी है, ये चीज़ हासिल आपको करनी ही करनी है। अगर आप टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे ना कि मैं यार अगले 6 महीने में मुझे ये अचीव करना है, या अगले साल भर में, अगले 2 साल में मुझे ये अचीव करना है, अगर आप ऐसा अपने आपको टाइम पीरियड नहीं देंगे तो आप भटके रहेंगे। भटके कैसे, हर साल आपके एग्जाम्स होते हैं ना, आप हर साल आपके एग्जाम्स होते हैं, चाहे स्कूल में जब आप पढ़े होंगे, स्कूल में कॉलेज में आप रहते हैं, तो हर साल हर 6 महीने हर सेमेस्टर में आपके एग्जाम होते हैं। वो क्यों होते हैं कि आपने जो भी 6 महीने में पढ़ा है, एक फाइनल एक तो आपने एक जो भी एक साल में पढ़ा है वो एक फाइनल डेट को आपको रिवाइज करके बताना होता है कि आपकी कितनी नॉलेज है या आप उस चीज में पास हुए कि नहीं हुए हैं। तो वैसे ही सेम है, तो जब तक आप किसी चीज को टारगेट नहीं रहेंगे, किसी इस डेट तक, इस महीने तक, इस साल तक अगर आपको ये अचीव करना है तो आप भटके रहेंगे, वैसा पढ़ेंगे तो पढ़ने का सेंस, अब स्कूल में भी अगर एग्जाम नहीं होंगे तो बच्चे तो पढ़ते रहेंगे, तो पढ़ने का फायदा क्या है जब तक उनको अपनी कैपेबिलिटी समझ नहीं आएगी कि भैया मैंने 1 साल इतनी मेहनत करी है और मैं ये सब अचीव करा है, मैंने मुझे ये चीज़ आती है, मैं मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो कैसे पता लगेगा। तो सेम चीज़ आप पे भी डिपेंड करती है कि अगर जब आप टारगेट बेसिस पे गोल अपना एक अचीव करने चाह रहे हैं तो टारगेट एक लगा लीजिए कि 2 साल तक या 3 साल तक या 1 साल तक मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तभी तो आप उस चीज़ के पीछे भागेंगे। अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं गधे घोड़ों की तरह तो यार वो फायदा नहीं है, वो बिल्कुल भी फायदा नहीं है आपका कुछ भी करने का, जब तक आपने अपने टारगेट को अचीव करने का टाइम पीरियड नहीं बनाया है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको आगे बढ़ने के लिए। और सोचना तो जिंदगी भर का है, सोचना आज से अगर आप बूढ़े भी हो जाएंगे ना, अगर आज से आप 10-20 साल बाद जाके बूढ़े भी हो जाएंगे तो आप क्या सोचते हैं, आप सोचेंगे नहीं, आप उस टाइम कुछ और बात सोचेंगे। तो सोचना तो लाइफ भर का है, लाइफ टाइम सोचना होता है हमारा इंसान का, मगर आपको एग्जीक्यूट करनी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे नहीं चलेगा कुछ भी, आप अपने लाइफ से बस भटकते रहेंगे, अपनी चीज़ों से भटकते रहेंगे, अपने टारगेट से भटकते रहेंगे और कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे आज से 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी। इस चीज़ को आप बिल्कुल एक गांठ बांध लीजिए, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल एक गांठ बांध लीजिए। इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग यू हैव टू एग्जीक्यूट फर्स्ट। आपको जो भी है छोटा है से स्टार्ट करना है, आपको छोटे से स्टार्ट करना है, आपको एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है, चाहे वो पढ़ाई है, बिजनेस है, कुछ भी है, एक्स वाई जेड एनीथिंग, जो भी आपको बेनिफिट दे रहा हो, जो भी आपको बेनिफिट दे रहा हो, तो वो आपको अभी से, आज से, इसी टाइम से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अच्छे काम का
अच्छी चीज़ों का कोई समय नहीं निकलता। लोग बोलते हैं कि अच्छे काम का समय निकलता है, अच्छे काम का समय नहीं निकलता, मगर जो आपने प्लान बनाया है वो बहुत डिपेंड करता है कि आप जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं, उसका प्रॉपर आपको नॉलेज है या नहीं है, प्रॉपर आप उसकी प्लानिंग करी है कि नहीं है। कि आप उठे, सुबह उठे और आपने बोला आज से मुझे ये पढ़ाई स्टार्ट करनी है, मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सॉरी बड़ी, तो आप फिर गलत सोच रहे हैं। मैं आपको अभी बता दूं कि मैं जितनी वीडियोस बनाता हूं वो सारी वीडियोस मैं बनाता हूं, जितने भी जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं तो मैं जितनी वीडियोस बनाता हूँ वो उन सब के लिए बनाता हूँ जो भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। मुझे पता है कि बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं चीज़ों को लेके, बहुत परेशानियाँ आती हैं, बहुत टारगेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना होता है, इमोशंस होते हैं, मगर गाइस आपको सोचने की बहुत ज़रूरत है इस बारे में, आपको दिमाग लगाने की बहुत ज़रूरत है इस बारे में। अगर आप सच में कुछ करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में तो सोचना सीख जाएं अभी से, दिमाग लगाएं अभी से और लग जाएं अपने टारगेट के पीछे कि आपको वो हासिल करना ही करना है किसी भी कॉस्ट में, चाहे आपको किसी से भी लड़ना हो, किसी को भी छोड़ना हो, किसी को भी साथ रखना हो। इस चीज़ का आप ध्यान दें और आई एम श्योर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और मैं मिलूंगा आपको मेरी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।